तो भी गाइस फाइनली देखिए इतना सारा क्रश हो गया है, फ्रूट्स डल रही है। फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं चीनी, ये देखिए। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अवर न्यू व्लॉग। तो दोस्तों आज की व्लॉग में हम लोग बनाने जा रहे हैं, ये देखिए दिख रहा होगा आप लोग को, ये देखिए गाजर। तो आज की व्लॉग में हम लोग बनाने जा रहे हैं गाजर की हलवा, और ये देखिए मीनाक्षी भी आ गई है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। तो आज हम बनाने वाले हैं गाजर की हलवा। तो भी गाइस गाजर की हलवा बनाने के लिए हम लोग को जरूरत थी गाजर की, और ये कुछ ड्राई फ्रूट्स है, और ये दूध पैकेट, और फ्लेवर के लिए इलायची। तो गाइस सबसे पहले हम लोग को इसको अच्छे से क्रश करना पड़ेगा, तो चलिए फिर क्रश करने स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसको अच्छे से धो लेना है, ठीक है। अभी हम हमारा धोने का बाकी है, अभी हम लोग इंग्रेडिएंट्स कलेक्ट किए हैं, और बाकी अभी आगे आप वीडियो में बने रहिए, आपको सब पूरा सभी इंग्रेडिएंट्स और सारे चीज कैसे कैसे बनना है, बनेगा कितना मिनट, पकाना है क्या नहीं, सब सारी चीजें वीडियो में आ जाएंगी। चलिए गाइस फिर प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो देखिए गाइस हमारी गाजर तो जो है एकदम मस्त अच्छे से क्रश हो रही है। बड़े इसमें करूँ क्या, इसमें टाइम लगेगा? नहीं नहीं, छोटे में ही, बड़े में बड़ा हो जाएगा, मज़े नहीं आएगा। दिखाओ मैं करता। ये यहाँ पर हमारी गाजर हो रही है क्रश, तो एकदम ऐसे बारीक कर रहे हैं आपको क्रश। देखिए गाइस कितना क्रश हो चुका है हमारा गाजर, बारीक हो रहा है एकदम मस्त अच्छे से क्रश। इसके बाद में इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये पूरा मेल्ट हो जाएगा, है ना। तो मेरे पति बाबू कर रहे हैं क्रश। इजार के बाबू की हालत खराब, हाँ तो गया। तो भी गाइस फाइनली देखिए इतना सारा क्रश हो गया है, और ये देखिए कुछ जो है बचा है थोड़ा सा। गाइस हमारा गाजर जो है एकदम मस्त अच्छे से क्रश हो चुका है, ये देखिए इतना सारा क्रश किए हैं, और ये देखिए इसका टुकड़ा जो है पड़ा हुआ नीचे में। तो चलिए गाइस आगे की प्रोसेस स्टार्ट करते हैं किचन में, और ये देखिए यहाँ पे गैस ऑन हो गई है, और यहाँ पे कढ़ाई भी रख दिए हैं, और तेल भी डल गया है। तो चलिए फिर इसको गरम होने देते हैं, फिर उसके बाद फिर इसको मस्त अच्छे से फ्राई करेंगे। फाइनली गाइस गरम हो चुका है, और ये देखिए कढ़ाई में चला गया हलवा। लो फ्लेम में इसको फ्राई करना, लो फ्लेम में ना। नाची जो है इसको मस्त एकदम लो फ्लेम में फ्राई करेगी, इसको टाइम लगेगा फ्राई होने में, है ना। 20 से 25 मिनट लो फ्लेम में इसको अच्छे से फ्राई होने देना, जब तक ताकि तब तक से इसका कलर जो है चेंज हो जाएगा। चलिए गाइस इसको मस्त अच्छे से ढक देते हैं, ये ढकनी को। ये ढक दिए, फ्रूट्स डल रही है। इलायची को लास्ट में डालेंगे, है ना। अभी डालना इसको, अभी फ्लेवर लगेगी ना। यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं दूध, ये देखिए पूरा दूध चला गया। अब ये जो है एकदम और अच्छे से पकेगा, अभी मीडियम फ्लेम में इसको रखना है गाइस। फाइनली गाइस यहाँ पे हम लोग डाल रहे हैं चीनी, ये देखिए अपना स्वाद के अनुसार डालेंगे चीनी को। हो गया ज़्यादा मीठा भी मज़ा नहीं आता, है ना। इतना चीनी काफ़ी है, ये देखिए। खोलकर देखते हैं, और ये देखिए
काफ़ी पानी भी आ गई है। चलिए फिर इसको अब खोल कर रखते हैं और इसको जो है हाई टेम्परेचर में इसको मस्त फ्राई करते हैं, तब जल्दी से सूखेगा। तो फाइनली गाइस देखिए गाजर का कलर जो है चेंज हो रहा है, इस और थोड़ा सा चेंज हो गई है, मस्त रेड होते तक अच्छे से तलेंगे तभी जो है स्वाद उभर कर आएगी। मैं तो बस इसको ही देख ली। गाइस देखिए हमारे गाजर का हलवा जो है तैयार हो गया है, रेडी हो गया है और हमने जो है गैस भी बंद कर दी है। और ये देखिए भाई क्या लजीज दिख रहा है। तो चलिए फिर अब टेस्ट करके देखते हैं। अभी गाइस फाइनली देखिए मीनाक्षी ने सर्व की है गाजर की हलवा और ये देखिए कितना लजीज दिख रहा है। फिर खाते हैं मस्त गाजर का हलवा। चलिए जी खाइए। कैसा टेस्ट बताइए। मैं खुद की तारीफ कैसे करूं? चलिए कैमरा पकड़िए मैं खाता हूँ फिर बताता हूँ, है ना। तो गाइस चलिए फिर मैं टेस्ट करके बताता हूँ कैसा है। काफ़ी गर्म है। तो भी गाइस गाजर का हलवा जो है काफ़ी एकदम मस्त अच्छे से बना है। चलिए गाइस फिर आज की वीडियो जो यहीं तक रखते हैं। आई होप वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल में नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं दोस्तों नए व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।